जी हाँ दोस्तों, कैसे हो सभी? स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है यार, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनजान। तो आज के हमारी जर्नी होने वाली है नई दिल्ली से बनारस के बीच चलने वाली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जर्नी। तो कुछ ऐसे दिखते हैं हमारी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है थर्ड एसी कोच में, जिसमें हमारा कोच नंबर है B4 और सीट नंबर है 60, यानी कि लोअर बर्थ। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका फर्स्ट एसी का बाहर का लुक। तो देखो काफ़ी खूबसूरत कोच है बाहर की, और इसमें पेंटिंग यानी कि बनारस की सुंदरता को दिखाया गया। कुछ ऐसा दिखता है इसका ही फर्स्ट एसी का कोच। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का क्राउड, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लगभग ज़्यादातर ट्रेनें जो है ना 8-8-10 घंटे लेट आ रही है। और जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली 20 मिनट के डिले के बाद अब हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिल चुका है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का चलने का टाइम था शाम के 8:05, और हमारी ट्रेन पहुँची है 8:06, यानी कि 20 मिनट डिले। दोस्तों तो हमारी शिवगंगा एक्सप्रेस अपने 755 किलोमीटर के डिस्टेंस को होल्ड के साथ 10:05 में पूरा करती है। यहाँ पे हम लोग स्किप कर रहे थे खुर्जा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के आसपास देख रहे थे आप फॉग बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से कैमरे में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। और पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था पहले सामने की कौन सी ट्रेन खड़ी है, और आगे चल करके हमें जब पता लगता तो यह जो खड़ी है अमरपाली एक्सप्रेस, जो अमृतसर से कटिहार के बीच चलती है। और खुर्जा रेलवे स्टेशन पर हमने किया इस ट्रेन को यहाँ पर से ओवरटेक, जो कि कुछ इस तरह था। और सभी यात्री हमें देख रहे थे कि ये कौन सी ट्रेन है जो आगे हमारी ट्रेन से निकल रही है। और तो कुछ ऐसा दिखता है इसका लोकोमोटिव WAP-7। जी हाँ, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिलहाल आज है हमारा T2, और हम लोग पहुँचने वाले हैं फिलहाल कानपुर, और हमारी ट्रेन बहुत चल रही है फिलहाल 9 घंटे डिले। तो देखो कब तक ये लोग हमारे कानपुर पहुँच पाते हैं। दोस्तों तो बात कर लेते हैं इसके वॉशरूम की। तो वॉशरूम की कंडीशन आप लोग सामने देख ही सकते हैं, ये लगा हुआ सामने मिरर थोड़ा सा गंदा है, और ऊपर दी गई है लाइट, और ये है सिंक में पानी आ रहा है, लिक्विड सोप है, हाँ जी इसमें सोप भी है। और वॉशरूम की कंडीशन एवरेज किस हिसाब से आप लोग एवरेज लगाई चुके हैं, ट्रेन का क्या हाल है? खैर ये फॉग की वजह से भैया रात भर बहुत ज़्यादा फॉग था इस रूट पर, उस वजह से सभी ट्रेनें डिले आई हैं। अब देखो उम्मीद तो है कि 10:15 तक हम लोग कानपुर पहुंच जाएंगे हमारी ट्रेन के पहले ओर। खैर सारी ट्रेनें लेट है, पीछे राजधानी शताब्दी और आपकी संबोध गांधी जैसी VIP ट्रेन सारी की सारी पीछे लेट चल रही है, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा था तो ट्रेन कहाँ से ही चलेगी। तो जी कानपुर के आउटर पे हमारी ट्रेन को रोक दिया गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कोच पोजीशन और फेयर की। तो इसमें 3 जनरल के कोचेज हैं जिसका फेयर है ₹240, और साथ ही साथ 5 स्लीपर के कोच हैं जिसका फेयर है ₹430, और 9 थर्ड एसी कोचेज हैं जिसका फेयर है ₹1140, और 2 सेकेंड एसी कोच है जिसका फेयर है ₹1605, और 1 फर्स्ट एसी का कोच भी जिसका फेयर है ₹2695। और नई दिल्ली से बनारस के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है इस रूट की, तो आप लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। और इसमें सीटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मानो इस टाइम पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैंने शाम को 4 बजे टिकट बुक करवा, मेरे को आसानी से अवेलेबल हो गया।
बच्चों की हमारी ट्रेन के पहले उल्टी यानी कि कानपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर हमारी ट्रेन में पहुँचने के टाइम पर रात में 1 बजे हम लोग पहुँचे हैं सुबह 10:30 यानी कि लगभग 9:30 डिले। तो आज की हमारी जर्नी को यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय।